हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू जो कि है एल्प्स गुडनेस का। और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ मिलेंगे purple.com पर। अगर आप वाकिफ हो एल्प्स गुडनेस से तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में और हर्बल प्रोडक्ट निकालती है, नेचुरल प्रोडक्ट निकालती है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उनकी सैंडलवुड रेंज की। ये पैराबन फ्री, क्रुएल्टी फ्री एंड टॉक्सिन फ्री होते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट है काफी अफोर्डेबल है, साथ ही साथ बहुत अच्छे भी हैं, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इनके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ purple.com पर। तो वहां पर जाकर आप देखिएगा इनके न्यूली प्रोडक्ट कौन से लॉन्च हुए हैं। तो यहां मैं बात करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस की सैंडलवुड रेंज की, जो कि बहुत दिनों पहले आ गई थी मार्केट में, यानी कि purple.com पर। और मैं आज उन प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इनके साथ वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है हेल्पफुल। अगर आप एल्प्स गुडनेस को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर एल्प्स गुडनेस सैंडलवुड रेंज। टोटल रेंज मैंने परचेज कर लिया था। तो सबसे पहले है इनका फेस वॉश, देन है इनका स्क्रब, देन है इनका जेल एंड देन है इनकी क्रीम। तो ये सारी की सारी रेंज मैंने इनको परचेज कर लिया था। इनका जो है सैंडलवुड पाउडर भी आ चुका है पहले ही, बहुत दिनों पहले ही, क्योंकि इनके पाउडर भी बहुत अच्छे होते हैं तो मैंने उसको पहले ही परचेज कर लिया था। तो यहां मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैं न्यूली लॉन्च्ड के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ फेस वॉश के बारे में। इसका जो फेस वॉश है बिल्कुल जेल टाइप कंसिस्टेंसी है, आप देखिएगा जेल, बिल्कुल जैसे जेल होता है उसी की तरह है कंसिस्टेंसी इसकी। और काफी अच्छा है, लेदर ज्यादा नहीं बनाएगा क्योंकि जिसमें जो लेदर ज्यादा बनाता है वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लेदर नहीं बनाएगा, लेदर बनाएगा, मतलब इनफ होगा आपके फेस के लिए और आपके फेस को बिल्कुल क्लीन आउट कर देगा, मतलब कुछ भी डर्ट नहीं रहेगा आपके फेस पर। साथ के साथ आपके जो फेस को ये नरिश भी रखेगा, मतलब एकदम ड्राई आउट नहीं करेगा। तो मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को कर लेना है वेट। तो यहां मैं इसी के टोनर से अपने फेस को वेट कर रही हूँ। देन आपको लेना है थोड़ा सा ही, मतलब पी साइज इतना अमाउंट लेना है, बस इतना काफी है इतना। और आपको अपने फेस को वॉश करना। आप देखिएगा कि मतलब इतना लेदर नहीं बना रहा है ये, लेकिन फिर भी आपके फेस को बहुत अच्छे से ये वॉश कर देगा। और जिनकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है उन लोगों के लिए निकाली है ये रेंज। तो जिन लोगों को एक्ने प्रोन और डार्क स्पॉट से प्रॉब्लम है तो वो इस रेंज को जरूर अप्लाई करें। मैंने यूज किया है इसको एंड देन मेरा फर्क बहुत अच्छा निकला, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और बिल्कुल आप देखेंगे कि क्लीन दिख रहा है मेरा फेस, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छा। देन हम अप्लाई करते हैं इसका स्क्रब, और जिसका स्क्रब के जो पार्टिकल्स है वो बहुत महीन है, बहुत ही अच्छे हैं और एकदम मतलब हार्श नहीं है आपकी स्किन पर। और इन सब की जो ये जो है ये 30 ग्राम का है एंड जो फेस वॉश है वो 100 ml का मिलेगा आपको। इनका जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है, जब सेल चली थी मैंने इनको परचेज किया था। तो इसका आप स्क्रब देखिएगा, जैसे कि पतंजलि का या फिर बोल सकते हैं हिमालय का भी इस तरीके से स्क्रब आता है। बहुत ही महीन पार्टिकल हैं और आपके फेस को बिल्कुल भी हार्श नहीं करेंगे, साथ ही आपके जो फेस पर जो भी मतलब डर्ट है उसको इजीली निकाल देंगे। बिल्कुल भी मतलब हार्श तरीके से आपको नहीं करनी है स्क्रबिंग, बहुत ही जेंटली करनी है क्योंकि आपकी स्किन है, किसी और की नहीं है। तो आपको ही अपनी स्किन का ख्याल रखना है। तो आपको अच्छे से 2 से 3 मिनट इसकी स्क्रबिंग करनी है। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए मुझे स्क्रबिंग करते हुए और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब फिनिश सा हो गया है। तो इसको मैं अब एक वेट टॉवल से इसको थोड़ा सा वाइप आउट कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस बिल्कुल क्लियर लग रहा है, नोज पे बहुत शाइन आ रही है, इनकी सारी की सारी जितनी भी डर्ट है वो निकल चुकी है और बहुत अच्छा सा मुझे लग रहा है अपने फेस पर। तो अभी फिलहाल मैंने इसको सिर्फ वेट तौलिए से मैंने इसको पोछा है, तो मैं अभी इसको वॉश करके आती हूँ।
तो मैं बात करने वाली हूँ अब इसके टोनर की। टोनर बहुत ही अच्छा है, गुड वाइब्स के टोनर बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है। ये जो है आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, साथ ही आपकी स्किन को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आपको लेना है और ये 100 ml का है और इसका जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहता है, तो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और कभी भी आप इस तरीके से कोई भी टोनर लें तो उसको पहले इस तरीके से डैप करें, जिससे कि आपके जो पोर्स ओपन हो गए थे वो आपके फिल हो सके। और ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि स्किन को नरिश कर रहा है, हाइड्रेटिंग है बहुत ज्यादा। और ये ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सभी स्किन वालों के लिए है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इस तरीके के जो टोनर है वो ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं होते हैं, बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है, बहुत ही अच्छा है। और आप जैसे कि जानते हैं कि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये है इसका टोनर। नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके जेल के बारे में। इसका जो जेल है वो इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई इसमें कलर एडेड नहीं है। साथ ही इसकी जो रेंज है ना, उसके सिर्फ फेस वॉश में मुझे थोड़ी सी सैंडलवुड की स्मेल आई है, मतलब खुशबू आई है। अदरवाइज ज्यादातर तो किसी ज्यादा मतलब प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा खुशबू नहीं है कि आपको लगे कि ये आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो भीनी भीनी सी खुशबू है, अच्छी है। तो ये सैंडलवुड की रेंज टोटल है, तो आपको इतना अमाउंट लेना है और अपने फेस पर इसको स्प्रेड करना है। इसको मैं एज ए नाइट क्रीम की तरह यूज कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन पर एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही मुझे ना एक भी ब्रेकआउट नहीं हुए हैं इन प्रोडक्ट को यूज करके, क्योंकि ब्रेकआउट मोस्टली हो जाते हैं मुझे, क्योंकि मेरी जो है एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है और काफी अच्छा है ये। आप देख सकते हैं कि स्किन पर एक ग्लो आ रहा है बहुत ही अच्छा सा। मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाया, लेकिन इसको ही लगाकर इतना अच्छा ग्लो आता है आपकी स्किन पर। आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखता है। बहुत ही अच्छा ही रेंज निकाली है एल्प्स गुडनेस ने, और ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं आपको ये मिल जाएंगे अंडर 100 rupees में। तो बहुत अच्छा है कि आप सारे प्रोडक्ट खरीदिए इसके सैंडलवुड रेंज के और इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ उसकी क्रीम के बारे में। तो ये है सैंडलवुड की क्रीम। जितनी भी ये फेस स्क्रब एंड जेल है ये 30-30 ग्राम है, एंड जो फेस वॉश है वो 100 ml है और टोनर भी 100 ml है। तो इसकी क्रीम की कंसिस्टेंसी ये इस तरीके से है, और आपको अपने फेस पर इसको वेरी मतलब आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती है। व्हाइट कास्ट एज सच मुझे नहीं लगा कि व्हाइट कास्ट छोड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत से रिव्यू देखे हैं कि उसमें बोला है कि वाइस अगर आप अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे इसको अपनी स्किन में तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन के लिए वर्क करे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये, क्योंकि मेरी स्किन पर जैसे कि मैंने बताया एक्ने हो जाते हैं नए नए प्रोडक्ट यूज करने से, बट ये मुझे काफी अच्छा लगा। और आपकी स्किन काफी हेल्दी लगेगी इन प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ गया है। इसका जो फेस पैक है मतलब सैंडलवुड पाउडर है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी अच्छी सी लगने लगी है। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू इन प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये है टोटल रेंज जिसका मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।